स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज दीप महमूद। आज के सेशन में हम कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 5 का जो लेक्चर है हमारा, टॉपिक है सीपीयू रजिस्टर, इस मुकम्मल आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। इस पूरे लेक्चर में मुझे आपकी कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो अगली चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। इस चैप्टर का ये ऐसा टॉपिक है जिसको समझना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। समझना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हम खुद से इतना से समझते नहीं। और ये जो लेक्चर है इसको अगर आपने कंसंट्रेशन से समझ लिया तो यही वाला टॉपिक आपके इस चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक बन जाएगा। ये वो टॉपिक है, मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, जितने साल मैंने बच्चों को पढ़ाया, हर साल बच्चे मुझे मोस्टली क्लास में 80-90% बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, याद नहीं करते। आप लोगों को भी पता होगा कि अगर आपने इसको पहले समझा नहीं ना होगा तो आपने इसको छोड़ने का सोच लिया होगा। क्योंकि इस टॉपिक के बारे में बुक में इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं और उन टाइप्स में बुक में एक एक लाइन में उसने सिर्फ उसको एक्सप्लेन किया हुआ है और मोस्टली टीचर्स भी उसको एक लाइन से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। तो ध्यान से आपने समझना है। सबसे पहले तो हम डिस्कशन करते हैं सीपीयू रजिस्टर है क्या, ये रजिस्टर्स क्या है, फिर बाद में हम इसकी आगे टाइप्स देखेंगे। देखें, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सीपीयू होता है, सीपीयू उसके दो पार्ट्स होते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक हमने पढ़ा था एएमयू और एक हमने पढ़ा था सीएमयू। जब हमने रैम वाला टॉपिक पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक छोटा सा इसका पार्ट होता है जिसे हम कैश मेमोरी भी कहते हैं, कैश मेमोरी। अच्छा, ये हो गया इसका कैश मेमोरी का पार्ट। तो यहाँ पे एक और इसका पार्ट होता है जो कि इसकी मेमोरी है। बेसिकली मेमोरी, मेमोरी से मुराद है कि वो एरिया जहाँ पे वो डाटा को सेव करता है, सीपीयू डाटा को स्टोर करता है, उस मेमोरी को कहते हैं हम रजिस्टर। और ये रजिस्टर एक नहीं होता, ये मेमोरीज जो है, ये जो सीपीयू की अपनी मेमोरी है रजिस्टर, ये छोटे छोटे सीपीयू के अंदर थाउजेंड ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जिनका काम है डाटा को स्टोर करना, लेकिन टेम्परेरीली। यानी सीपीयू के अंदर एक सीपीयू का पार्ट होता है जो सीपीयू की मेमोरी, जहां वो चीजों को स्टोर करता है लेकिन टेम्परेरीली, यानी कि कुछ देर के लिए। एएमयू का काम हमने पढ़ा था अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, सीयू का काम हमने पढ़ा था पूरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तमाम ऑपरेशन को कंट्रोल करना, मैनेज करना, कमांड्स देना। कैश मेमोरी का हमने काम पढ़ा था प्रोसेसिंग करना, फास्ट प्रोसेसिंग करना, लेकिन छोटे पैमाने पे। लेकिन रजिस्टर जो है ये सीपीयू की वो मेमोरी है जहाँ पे सीपीयू डाटा को सेव करता है। सवाल ही पैदा होता है किस तरह का डाटा सेव करता है, कौन सा डाटा सेव करता है, क्योंकि डाटा तो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है, हार्ड डिस्क में, यूएसबी वगैरह में, हमने पढ़ा था रैम में भी कुछ देर के लिए डाटा स्टोर होता है। इसके अंदर क्या सा डाटा स्टोर होता है तो आपने याद रखना है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कि रजिस्टर्स के अंदर वो डाटा सेव होता है जो सीपीयू काम कर रहा है, जो सीपीयू काम करवा रहा है कंप्यूटर में, किसी भी कंपोनेंट से काम करवा रहा है, वो थोड़ी देर के लिए इसकी अपनी मेमोरी में सेव होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लास में एक स्टूडेंट को कहा कि बेटे आपने ये काम करके आना है। अब जब मैंने इसे काम कहा और कल वो बच्चा मुझे काम ला के चेक करवाएगा कि सर ये मैंने काम कर लिया, तो क्या मैं उससे पूछूंगा कि ये क्या है? मुझे तो याद होगा, हालांकि मैंने उस तरह से याद नहीं किया जिस तरह सबक याद करते हैं, लेकिन जब मैंने काम कहा तो मेरे ब्रेन में ये एबिलिटी है कि मैंने कोई काम कहा या जो मैं काम कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली सेव होता जा रहा है, लेकिन कुछ देर के लिए। हो सकता है कि मैं अगले दिन उसको भूल भी जाता, लेकिन वो हर किसी की मेमोरी का हिसाब होता है, बहरहाल कुछ देर के लिए मेरी मेमोरी में ये सेव है कि मैंने इसको काम कहा था, अगले दिन वो काम लाएगा मुझे अगले दिन याद होगा। लेकिन हो सकता है कि महीने बाद मैं उस बात को भूल जाऊँ, क्योंकि वो मेमोरी थोड़ी सी टेम्परेरी होती है, उस पर डाटा कुछ देर के लिए सेव रहता है। यानी कि सीपीयू ने जब कोई काम कहा किसी कंपोनेंट को करने के लिए तो वो अपने रजिस्टर के अंदर सेव कर लेता है कि मैंने क्या काम कहा है, किस मेमोरी को कहा है, किस कंपोनेंट को काम कहा है, क्या काम कहा है। जब वो वहाँ से होके वापस आता है सीपीयू के पास तो सीपीयू चेक करता है रजिस्टर से, अपनी इस मेमोरी से देखता है कि ये क्या काम था, मैंने इसको क्या काम कहा था करने के लिए और मैंने अब आगे इस पर क्या करना है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सीपीयू जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है रैम को, रैम एक्सिक्यूट करने के बाद डाटा वापस भेजती है डाटा बस के जरिए से, बसेस वाला टॉपिक भी इसके अंदर साथ आ रहा है। तो प्रीवियस मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं उनके कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहे हैं, बस वाला भी, सीपीयू वाला भी, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स वाला भी। तो अगर वो लेक्चर नहीं समझा हुआ तो इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ से जब डाटा वापस जाता है सीपीयू के पास आया, सीपीयू ने चेक किया कि जो डाटा मेरे पास आया है अब मैंने इसका क्या करना है। अब सीपीयू ने कहाँ से वो इंफॉर्मेशन ली थी, मैंने इसे क्या कहा था करने के लिए, वो उसने रजिस्टर से उठाया। यानी ये सीपीयू की वो मेमोरी है जहाँ पे कोई भी काम हो रहा है कंप्यूटर का वो सेव करता जा रहा है।
जो तो इसको वो यूज करते हुए अपने बाकी के काम कर रहा है, जिस तरह हम अपनी मेमोरी को यूज करते हुए कोई काम करते हैं कि अच्छा मैंने ये काम किया था, मैंने ये काम कहा था, इसी तरह से सीपीयू के अंदर एक टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन होती है जिसे हम रजिस्टर कहते हैं, और ये सीपीयू के अंदर थाउजेंड ऑफ रजिस्टर्स होते हैं और इन तमाम के ऊपर टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, रजिस्टर जो है वो फास्टेस्ट मेमरीज हैं इन साइड द कंप्यूटर सिस्टम और इन साइड द सीपीयू। जितनी भी कंप्यूटर के अंदर मेमरीज लगी हैं उनमें सबसे फास्टेस्ट मेमरी जो है वो सीपीयू के अंदर लगी हुई मेमरी जिसे हम रजिस्टर कहते हैं वो है। अब रजिस्टर की आगे से टाइप्स हम डिस्कस करते हैं, अगर आपको रजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर अगली जो टाइप्स हैं उसकी आपको अच्छी समझ आएगी। रजिस्टर में हमारे पास जो सबसे पहले रजिस्टर की टाइप है वो है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स वो रजिस्टर्स हैं जो एक खास काम करने के लिए बनाए गए। वैसे तो हमारे सीपीयू के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, वैसे तो रजिस्टर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमारे कोर्स में यानी फर्स्ट ईयर के कोर्स में जो रजिस्टर्स हमारे पास हैं वो चंद रजिस्टर्स हैं, हमने उनको ही डिस्कस करना है। तो ये जो चंद रजिस्टर हैं टोटल 13 रजिस्टर मेंशन तो हमने वही पढ़े हैं। अब ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स क्या हैं, ऐसे रजिस्टर जो एक काम के लिए बनाए गए। अब इसकी आगे से पाँच टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पीसी। पीसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर ऐसा रजिस्टर है जिसका ये काम होता है कि ये नेक्स्ट आने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है। अब ये बात मैं आपको समझाने लगा हूं तो आपने इसको ध्यान से समझना है कि इसका क्या मतलब है। जब भी हम अपने कंप्यूटर को कोई काम कहते हैं करने के लिए तो अक्सर ऐसे होता है कि हम एक टाइम पे एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, दो या तीन या चार या मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम हम कंप्यूटर को दे देते हैं। तो एक इंस्ट्रक्शन जो है वो आगे है, फिर उसके पीछे दूसरी इंस्ट्रक्शन है, फिर उसके पीछे तीसरी इंस्ट्रक्शन है, मतलब इंस्ट्रक्शन नंबर वन है, इंस्ट्रक्शन नंबर टू है, इंस्ट्रक्शन नंबर थ्री है। ये क्यू लग जाता है, मतलब कतार लग जाती है इंस्ट्रक्शन की। पहली इंस्ट्रक्शन सीपीयू में जाएगी, एग्जीक्यूट होगी, सीपीयू फ्री होगा, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन जाएगी, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन जाएगी, इस तरह से ये क्यू लग जाता है। अच्छा, ये लग गया क्यू, हमने इंस्ट्रक्शन दी, ये जो क्यू है इसमें सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो सीपीयू के पास आई। सीपीयू इस वक्त पहली इंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्किंग कर रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अब नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन आनी है, अगली जो इंस्ट्रक्शन क्यू में लगी है वो कौन सी है, टू है। फर्ज करते हैं कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आगे चलेगी है सीपीयू के पास, अब वो यहाँ पे क्यू में मौजूद नहीं है, तो अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी है, इंस्ट्रक्शन नंबर टू है। इंस्ट्रक्शन नंबर टू ने सीपीयू के पास जाना है, इंस्ट्रक्शन नंबर वन जो है वो सीपीयू के पास आ चुकी है और एग्जीक्यूट हो रही है। यानी कि एक इंस्ट्रक्शन वो जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, एक इंस्ट्रक्शन वो जो अभी नेक्स्ट आनी है। तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन आनी है उसका एड्रेस किसके पास पड़ा हुआ है, पीसी के पास पड़ा हुआ। अब देखें ये वर्किंग कैसे होती है। सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन नंबर वन को कंप्लीट किया, जो भी मैंने उसे काम कहा था, लाइक मैंने कहा था सॉफ्टवेयर चला दो या मैंने कोई कोई फाइल ओपन की थी, जो भी काम था सीपीयू ने उस इंस्ट्रक्शन नंबर वन को एग्जीक्यूट किया, इंस्ट्रक्शन नंबर वन सीपीयू से चले गए। अब सीपीयू ने अगली इंस्ट्रक्शन को लेना है। अब अगली जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस जो है वो किसके पास पड़ा हुआ है, पीसी के पास पड़ा हुआ। सीपीयू क्या करेगा, हमारा सीपीयू जो है वो जो ये जो यहाँ पे रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स मैंने भी आपको बताया कि वो हर काम के रजिस्टर से डाटा उठाता रहता है। अब इन रजिस्टर्स में जो रजिस्टर पड़ा हुआ है पीसी, इसके पास जाएगा, मतलब इसको कहेगा कि भाई जो तुम्हारे पास एड्रेस है वो मुझे दो। यहाँ से वो एड्रेस लेगा और उस मुतल्लिका एड्रेस पे जाके वो इंस्ट्रक्शन उठा लेगा, और वो इंस्ट्रक्शन कौन सी पड़ी हुई है, इंस्ट्रक्शन नंबर टू, क्योंकि पीसी के पास किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, इंस्ट्रक्शन नंबर टू का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो इंस्ट्रक्शन नंबर टू को एक्सेस करने के लिए वो जाएगा पीसी के पास, पीसी से उसने एड्रेस उठाया और उस मुतल्लिका एड्रेस पे जाके उसने इंस्ट्रक्शन नंबर टू उठा ली, अपने उसने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब बड़ी अहम बात इसमें जो आपने याद रखनी हुई है, पीसी का क्या काम था, नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन जो है, जो नेक्स्ट कमिंग इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस होल्ड कर देना, ये काम था किसका, पीसी का। अब पीसी के पास किसका एड्रेस पड़ा हुआ था, इंस्ट्रक्शन नंबर टू का। इंस्ट्रक्शन नंबर टू जो है वो तो सीपीयू के पास चले गई, सीपीयू ने पीसी से इसका एड्रेस उठाया और चले गए। अब नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन कौन सी है, थ्री। तो पीसी का क्या काम होना चाहिए, थ्री का एड्रेस उसके पास हो। तो फिर क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन नंबर टू जो थी जब वो चले गई सीपीयू के पास, तो पीसी के पास एड्रेस आ गया अगली इंस्ट्रक्शन का। फर्ज करते हैं इंस्ट्रक्शन नंबर टू जो थी उसका एड्रेस था 29, ये मैंने फर्ज की एड्रेस लिखा है, ये इस तरह के एड्रेस नहीं होते कंप्यूटर में।
तो उसने क्या किया, सीपीयू ने जब पीसी से एड्रेस उठा के इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, तो पीसी के एड्रेस में इंक्रीमेंट हो गया, मतलब प्लस 1 हो गया, यानी एड्रेस क्या हो गया, प्लस 1। तो एड्रेस क्या बन गया, 30। तो 30 एड्रेस किसका था, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 का, इसका एड्रेस जो है वो 30 था। तो अब पीसी के पास जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन है यानी इंस्ट्रक्शन नंबर 3, उसका एड्रेस आ गया। अब जब सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को कंप्लीट करके छोड़ना है, तो फिर वो पीसी के पास जाएगा, और पीसी के पास कौन सा इंस्ट्रक्शन, कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है, एड्रेस नंबर 30, एड्रेस नंबर 30 के इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पर ही है। इस तरह सीपीयू जो है वो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन को लेता रहता है, पीसी से एड्रेस उठाता रहता है और अपना काम करता रहता है। तो दूसरे नंबर पे जो हमारा रजिस्टर है स्पेशल पर्पस रजिस्टर में, वो है आईआर। आईआर स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या काम है, बहुत ही सिंपल है, अगर आपको ये समझ आ रही है तो इस पर मैं कोई मसला नहीं होगा। आईआर ऐसा रजिस्टर है जिसके पास वो इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है, एड्रेस नहीं, जिसके पास एड्रेस था, वो इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है जिसका एड्रेस पीसी के पास था। जिस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पीसी के पास है वो इंस्ट्रक्शन बुद्ध किस में पड़ी हुई है, आईआर के अंदर पड़ी हुई। सीपीयू बेसिकली ये करता है कि पीसी के पास से एड्रेस उठाता है, एड्रेस उठा के उस मुताबिक एड्रेस पे पहुंचता है, यानी इंस्ट्रक्शन आईआर के पास जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है वहां से इंस्ट्रक्शन उठाता है और उसको एग्जीक्यूट करने लगता है। यानी कि इसकी कैलकुलेशन क्या हुई कि जो नेक्स्ट कमिंग इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस किसके पास पड़ा होता है, पीसी के पास, और जो नेक्स्ट कमिंग इंस्ट्रक्शन है वो किसके अंदर पड़ी होती है, आईआर के पास पड़ी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रजिस्टर स्पेशल पर्पस हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारे पास रजिस्टर है वो है MAR। MAR स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर एड्रेस होता है, लेकिन किसका एड्रेस होता है, जो इंस्ट्रक्शन इस वक्त सीपीयू के पास आ गई है इनका क्या काम था, नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन इसके अंदर थी, नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इसके अंदर, लेकिन इसका क्या काम है, जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास आ गई है। अब जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास आई है, या तो मेमोरी की तरफ जाएगी एग्जीक्यूट होने के लिए, या रैम की तरफ जाएगी। हमने रैम वाले टॉपिक में, बस वाले टॉपिक में पढ़ा था कि सीपीयू या तो रैम को कहता है काम करने के लिए, या रैम से कोई डाटा रीड करता है। तो अब एक इंस्ट्रक्शन, मतलब कोई काम, इंस्ट्रक्शन के बाद कोई काम सीपीयू के पास आ गया, सीपीयू ने या तो उसको रैम को देना करने के लिए, या रैम से वो कोई डाटा निकलवाना है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आई है सीपीयू के पास, जिस पर करंट इंस्ट्रक्शन है जो रैम की तरफ जाने लगी है या रैम की तरफ से आने लगी है, वो जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस पड़ा होता है MAR के पास, और वो इंस्ट्रक्शन बताते हुए किसके अंदर पड़ी होती है, MBR के पास पड़ी होती है, यानी मेमोरी बफर रजिस्टर। दोबारा बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है पुराना, हमने पढ़ा था बसेस वाले टॉपिक में कि सीपीयू ने जब इंस्ट्रक्शन देनी होती है रैम को, उसके ऊपर कुछ डाटा राइट करवाना होता है, तो सीपीयू जो है डाटा भेजता है रैम के ऊपर, इसका मतलब डाटा राइट हो रहा है। लेकिन जब सीपीयू ने रैम से कुछ लेना होता है, इसका मतलब डाटा उसे रीड करना चाह रहा है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास आएगी, अगर वो ऐसी इंस्ट्रक्शन है कि डाटा भेजना है रैम की तरफ, या वो ऐसी इंस्ट्रक्शन है कि डाटा लेना है रैम से, तो वो जो भी काम है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो असल में किसके पास होती है, MBR रजिस्टर के अंदर, जबकि उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस किसके पास होता है, MAR के अंदर पड़ा होता है। यानी कि इन चारों को अगर मैं समराइज करूं इस लेक्चर को, इन चारों रजिस्टर्स के लेक्चर को इस टॉपिक पे, तो वो ये है कि जो प्रोग्राम काउंटर है इसके पास नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, जबकि IR के पास वही इंस्ट्रक्शन जो नेक्स्ट आने वाली है वो पड़ी होती है। MAR के पास वो इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी की तरफ जाने लगी है, मेमोरी से आने लगी है, उसका एड्रेस होता है, जबकि वो इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी की तरफ जा रही है या मेमोरी से आने लगी है, वो इंस्ट्रक्शन खुद मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर पड़ी होती है। पांचवा स्पेशल पर्पस रजिस्टर है हमारे पास स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर के बारे में बुक में मुकम्मल नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि स्टैक पॉइंटर पढ़ने से पहले आपको स्टैक का पता होना चाहिए। स्टैक पॉइंटर एक ऐसा रजिस्टर है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, जिसका काम होता है स्टैक की इंफॉर्मेशन को अपने पास होल्ड करना, स्टैक की इंस्ट्रक्शंस। स्टैक क्या होता है पहले समझिए, स्टैक एक अरेंजमेंट का नाम है, जैसे एक अरेंजमेंट का नाम है असेंडिंग ऑर्डर, एक अरेंजमेंट का नाम है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसी तरह से एक अरेंजमेंट होती है स्टैक। इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज
हमने सबसे लास्ट पे रखी थी वो चीज हम सबसे पहले टिक करेंगे, सबसे पहले उठाएंगे। जैसे मैं एक बुक रखता हूँ, उसके बाद दूसरी बुक, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, एक के ऊपर एक मैं चार बुक्स रखता हूँ। तो जो मैं बुक उठाऊंगा सबसे पहले वो कौन सी बुक उठाई जाएगी जो सबसे लास्ट पे मैंने रखी थी, नंबर फोर पे, इसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसी तरह से जो टेनिस बॉल होता है, जब टेनिस बॉल को हम डालते हैं उसके बॉक्स में, तो पहले बॉल, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लेकिन जब हम निकालेंगे तो वो बॉल पहले निकलेगा जो हमने सबसे लास्ट में उसके अंदर इंसर्ट किया था। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर में, कुछ इंस्ट्रक्शन इस तरह से भी लगी हुई, तो वो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टैक में लगी हुई है, उन इंस्ट्रक्शंस का जो उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में सारी वो जो इंस्ट्रक्शन है सारी उनकी जो अरेंजमेंट है सारी, पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन है उसके बाद कौन सी उसके बाद कौन सी, वो सारी पड़ी होती है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के। तो ये पांच हमारे पास स्पेशल पर्पज रजिस्टर थे, और मैंने शुरू में आपको बताया था कि स्पेशल पर्पज रजिस्टर वो रजिस्टर हैं जिनका काम है एक खास काम करना, सबका एक खास काम है। जैसे इसका एक खास काम था नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करना, नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन होल्ड करना, जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू की तरफ जाने लगी है या आने लगी है उसका एड्रेस इसके पास, भाई वो इंस्ट्रक्शन इसके पास, और स्टैक पॉइंटर का काम था स्टैक की सारी इंफॉर्मेशन अपने पास होल्ड करना। अब नेक्स्ट है हमारे पास जनरल पर्पज रजिस्टर, वो भी हमारे पास चार जनरल पर्पज रजिस्टर हैं और उन पर हम डिस्कशन करते हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर वो रजिस्टर्स होते हैं जो एक से ज़्यादा कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब इन रजिस्टर्स में एक से ज़्यादा काम हो रहे होते हैं। से अब जनरल पर्पज रजिस्टर की हमारे पास जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करने से पहले इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन हैं वो ज़रा समझिए। जनरल पर्पज रजिस्टर हमारे पास चार है, एक है हमारे पास ए एक्स, दूसरा है हमारे पास बी एक्स, तीसरा है सी एक्स और चौथा है डी एक्स। ए एक्स की फुल फॉर्म होती है एक्युमुलेटर रजिस्टर, बी एक्स की फुल फॉर्म होती है बेस रजिस्टर, सी एक्स की फुल फॉर्म होती है काउंटर रजिस्टर, और डी एक्स की फुल फॉर्म होती है डाटा रजिस्टर। ये हमारे पास चार जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, इनके साइजेस याद रखने एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एक रजिस्टर के अंदर इसकी दो टाइप्स होती है, एक होता है ए एल और एक होता है ए एच, मतलब लोअर और हायर, और इसकी दो टाइप्स हैं लोअर और हायर। ये जो ए एल है इसका साइज होता है 8 बिट्स मतलब 1 बाइट, ए एच का साइज होता है 8 बिट्स मतलब 1 बाइट। तो इसका साइज कितना हुआ फिर 2 बाइट्स का, यानी कि 16 बिट्स, 2 बाइट्स, 16 बिट्स का रजिस्टर हो गया, 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट्स। इसी तरह से BL और BH, इसी तरह से CL और CH, BL और BH, इसी तरह से सारे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। ये सारे 8-8 बिट के रजिस्टर हैं, लेकिन ये मिल के मुकम्मल एक AX, BX, CX और DX बना रहे हैं, जो कि 16-16 बिट के रजिस्टर हैं। अच्छा, अब होता ये है कि जो इंस्ट्रक्शन शुरू में होती है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन हमने ली, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, आधी वो AL के अंदर स्टोर हो गई, आधी वो AH के अंदर स्टोर हो गई, इस तरह से इंस्ट्रक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। अब होता ये है कि ये रजिस्टर्स जो हैं ये पुराने कंप्यूटर जो इस्तेमाल होते थे उनमें यूज होते थे, आजकल के जो कंप्यूटर हैं उनमें जो रजिस्टर्स हैं इनका जो साइज है वो ज़रा बड़ा कर दिया गया है, यानी ये रजिस्टर हो गए हैं EAX, EBX, ECX और EDX। E stands for extended, extend कर दिए गए हैं। AX का साइज था 16 बिट, लेकिन E का मतलब है 16 बिट मजीद ऐड कर दिए गए, तो EAX, EBX, ECX और EDX का जो साइज हो गया टोटल सब का वो हो गया 32 बिट्स, यानी के 4 बाइट्स। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए AX का साइज कितना है तो 16 बिट्स का साइज, AL का साइज कितना है 8 बिट्स का साइज, EAX का साइज कितना है 32 का है, डबल हो गया रजिस्टर। E का मतलब 16 बिट और ऐड हो गए तो डबल हो गया। अच्छा, ये तो थे इनके साइजेस जो आपने याद रखने एमसीक्यू वाले से हैं। अब इनकी वर्किंग देखते हैं कि इनकी वर्किंग क्या है। AX रजिस्टर, AX रजिस्टर का काम है तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, मतलब तमाम जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, वो AX के अंदर सेव होते हैं। इसके अलावा जो डाटा की मूवमेंट या डाटा ऑपरेशन, डाटा मूवमेंट या डाटा ऑपरेशन, मतलब डाटा के ऊपर जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो वो AX रजिस्टर के अंदर सेव होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जनरल पर्पज रजिस्टर जो है वो एक से ज़्यादा काम होते भी होते हैं, तो इसके दो काम है अरिथमेटिक और डाटा ऑपरेशन। BX रजिस्टर जो है ये बेस रजिस्टर है, इसका ये काम है कि अर्थमेटिक और डाटा की मूवमेंट, जब डाटा को मूव करवाते हैं मतलब एक जगह दूसरे कंप्यूटर के अंदर, अच्छा कहाँ पे मूव करवाते हैं,
हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हमारे कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शन होती हैं, जिन बच्चों ने मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस पढ़ी उनको पता होगा कि जब हम लिखते हैं a = 5, b = 10, ये डाटा मूव हो रहा है, 10b में जा रहा है, 5a में जा रहा है, इसी तरह से हमारे जो असम्बली लैंग्वेज है, जितनी भी लैंग्वेज होती है उनमें इतना डाटा मूव होता है। जब डाटा मूव करवाना हो तो ax bx दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए भी ax bx दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। ये डाटा ऑपरेशन के लिए, ये डाटा मूवमेंट के लिए, सिर्फ मूवमेंट के लिए। ECX रजिस्टर जो है, मतलब CX रजिस्टर जो है, काउंटर रजिस्टर है, ये इस्तेमाल होता है काउंटिंग या लूपिंग के लिए। मतलब जब कंप्यूटर ने एक काम को बार बार करना हो, एक काम को रिपीटेडली परफॉर्म करना हो, एक काम को रिपीट करना हो, बार बार करना हो, जिस 10th क्लास में आपने लूप पढ़ा हुआ है, वो लूपिंग की सारी इंस्ट्रक्शन किसके पास होती है? CX के पास होती है, काउंटर रजिस्टर के पास होती है। जबकि EDX रजिस्टर जो है, ये डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, अब डिवीजन मल्टीप्लीकेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन में आती है, यानी ax और bx जो है डिवीजन मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं, प्लस माइनस भी करते हैं। लेकिन जब ये फुल हो जाए और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की जरूरत पड़ जाए तो हम फिर edx रजिस्टर को, यानी जो हमारा डाटा रजिस्टर है dx रजिस्टर, उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इनकी वर्किंग थी और उससे पहले इसके साइज याद रखें, तो ये जनरल पर्पज रजिस्टर का काम है। नेक्स्ट हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर है, हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास एड्रेस या सेगमेंट रजिस्टर्स। हमने अभी तक स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स पर, जिसके हमने 5 टाइप्स पढ़ी, हमने जनरल पर्पज रजिस्टर पढ़े जिसके हमने 4 टाइप्स पढ़ी, 9 हो गए, 4 हमारे पास हैं, टोटल 13 रजिस्टर जो है हमारे बुक में, सिर्फ इतने से ही, बाकी बहुत ज़्यादा हो गए वैसे, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ इतने। एड्रेस या सेगमेंट रजिस्टर, नाम से पता लग रहा है कि ये वो रजिस्टर्स हैं जो एड्रेसेस होल्ड करते हैं, एड्रेसेस मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस होल्ड करते हैं। सबसे पहले आता है CS, इसकी फुल फॉर्म है कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट। सेगमेंट एड्रेस को भी कहते हैं। इसका काम है कि ये होल्ड करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। एक एक वर्ड में नाम लिखूंगा, वही इनका काम है, वही इनकी डेफिनेशन है, इससे ज्यादा कुछ ही याद नहीं करना। जो हमारे कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस, इन इंस्ट्रक्शंस को कोड भी कहते हैं, COD कोड, उन इंस्ट्रक्शंस का जो एड्रेस है वो कोड सेगमेंट के पास पड़ा होता है। ठीक हो गया। अब ये कौन से इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्रामर, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया होता है, वो प्रोग्राम लिखता है, इंस्ट्रक्शन लिखता है, उन्हें कोड या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिस तरह से अगर आप में से किसी ने 10th क्लास में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, तो उसमें बेसिक लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम लिखते थे, वो प्रोग्राम सारे के सारे क्या थे, वो इंस्ट्रक्शंस थी। उन इंस्ट्रक्शंस का जो एड्रेस है वो सारा का सारा पड़ा होता है कोड सेगमेंट के पास। ठीक है, ये बेस लोकेशन, बेस लोकेशन कहते हैं एड्रेस को, ये बेस लोकेशन है किसकी, एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। बस DS क्या है, DS स्टैंड्स फॉर डेटा रजिस्टर, डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट का ये काम होता है कि ये भी बेस लोकेशन, ये सारे बेस लोकेशन है, मतलब सारे के सारे एड्रेस रजिस्टर हैं, ये बेस लोकेशन है मेमोरी वेरिएबल्स के। जैसे कि मैंने इससे पहले एग्जांपल दी थी आपको, a = 5, b = 10, ये क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल। इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर होनी है। ये जिन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ी उनको समझ आ रही होगी, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी कोई मसला नहीं, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी कंप्यूटर को भी काम कहा जाता है ना करने के लिए, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, वो जो इंस्ट्रक्शन है उनकी जो बेस लोकेशन का जो एड्रेस है वो इसके पास पड़ा होता है। उन्हीं इंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन होती है कि वैल्यूज दे रहे होते हैं किसी अल्फाबेट को, वो जो अल्फाबेट है इसके लिए वेरिएबल होता है। इन वेरिएबल्स की जो बेस लोकेशन है वो क्या है, डेटा सेगमेंट के अंदर स्टोर होती है, यानी बेस लोकेशन ऑफ वेरिएबल्स या मेमोरी वेरिएबल्स। ES की फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट। इसका काम भी वही है जो DS का, यानी ये भी बेस लोकेशन है वेरिएबल्स का। तो इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये भी एक्स्ट्रा है, अगर ये फुल हो जाए, अगर ये फुल हो जाए तो इसको यूज किया जाता है, बस सिंपल। ये तीन क्लियर हो गए, एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन का एड्रेस वेरिएबल्स का, इसके अंदर भी वेरिएबल्स का, लेकिन ये एक्स्ट्रा के तौर पे है। SS रजिस्टर जो है इसकी फुल फॉर्म है स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट का ये काम है, स्टैक वाली बात मैंने आपको पहले समझाई स्पेशल पर्पस रजिस्टर के अंदर। स्टैक सेगमेंट का ये काम है कि जो मेमोरी के अंदर लगा हुआ स्टैक है, उस स्टैक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसका एड्रेस इसके पास पड़ा हो, कौन सा एड्रेस ये देखिए। इस तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर
ये सिर्फ डायग्रामेटिकली आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यूजर ने एक डाटा एंटर किया, मतलब हमने एक डाटा एंटर किया 3, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 3 आ गया, 3 आ गया सबसे नीचे, उसके बाद उसने 2 एंटर किया, यहाँ से 2 आ गया उसके ऊपर, ठीक है। अब इसका अपना एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल ये एड्रेस नंबर 1 पे है, ऐसे 1 एड्रेस होता नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, इसके अंदर किसी और तरह से एड्रेस को, ये एड्रेस नंबर 2 हो गया और ये एड्रेस नंबर 3 हो गया फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद उसने 11 एंटर किया, 11 जो है वो इसके अंदर आया, 11 इसके ऊपर लग गया, स्टैंड यही है। अब जब जो चीज़ निकलनी है इससे, सबसे पहले कौन सी चीज़ निकलेगी, 11 जो सबसे लास्ट पे आया, तो एड्रेस नंबर 3 से चीज़ पहले निकलेगी, सबसे पहले 11 निकलेगा, फिर 2 और फिर 3, ये असल में स्टैक। तो ये जो स्टैक में इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, वो जो हमने स्पेशल पर्पज रजिस्टर पढ़ा था स्टैक पॉइंटर, उसके पास इंस्ट्रक्शन होती हैं, जबकि ये जो एड्रेसेज हैं, ये जो एड्रेसेज हैं, ये किसके पास पड़े होते हैं, स्टैक सेगमेंट के पास पड़े होते हैं, जिनके मुताबिक सीपीयू ये स्टैक इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है। ये सारे के सारे रजिस्टर जो हैं, ये 2 बाइट्स के रजिस्टर हैं, यानी कि 16 बिट्स के रजिस्टर हैं, जिस तरह से हमें जनरल पर्पज में AX, BX, CX, DX था, वो तो अब EAX, EBX, ECX और EDX इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये जो हैं, ये सारे के सारे 2 बाइट्स के हैं, यानी 16 बिट्स के हैं। तो ये था रजिस्टर वाला टॉपिक, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।